वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। 3 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं पुणे। और जैसे कि आपको पता है, अगर पुणे में एक्वेरियम फील्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस एक ही है, जय हिंद फ्लावर ऑन फिश फार्म। तो आज मैं आप सभी लोगों के बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स रिक्वेस्ट के बाद कवर करने जा रहा हूँ जय हिंद फ्लावर ऑन फिश फार्म। सो मैं निकलता हूँ फार्म की तरफ, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो तैयार हो जाइए फ्लावरॉन्स की खूबसूरत दुनिया में खो जाने के लिए। यह है जय हिंद फ्लावर ऑन फिश फार्म के सारे फुर्तीले लाजवाब प्यारे प्यारे फ्लावरॉन्स। बने रहिए वीडियो के अंत तक, हर एक फ्लावरॉन हम आपको दिखाएंगे, प्राइजेस भी बताएंगे। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी जय हिंद के वीडियोज़ के लिए, तो ज़रूर कॉमेंट कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। तो हमारे साथ है जय हिंद फ्लावर ऑन के ओनर अबरार साहब। कैसे हो सर आप? भाई बहुत अच्छे से। तो अबरार भाई, पिछले साल हमारी मुलाकात हुई थी और अब डायरेक्टली इस साल हुई है, हमारे सब्सक्राइबर्स की बदौलत, जय हिंद के सपोर्टर्स की बदौलत और जो भी चाहने वाले उनके वजह से, उनके कारण से। तो इस बार कैसा स्टॉक है आपके पास, कैसे फ्लावरॉन से आपके पास, और प्राइस भी बताइए कृपया करके, बहुत सारे व्यूवर्स उत्सुक होते हैं प्राइसेस जानने के लिए। सबसे पहले तो क्या बताना चाहेंगे, बहुत टाइम बाद हमारे चैनल पर आप आए हो, आप के बारे में बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, डीएम्स मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, मेल्स भी आते हैं कि जय हिंद के फ्लावरॉन्स कवर कीजिए, जय हिंद के फ्लावरॉन्स दिखाइए, बट इतना टाइम नहीं मिलता है आपके फ्लावरॉन्स को कवर करने के लिए, बिकॉज फटक से सोल्ड हो जाते हैं, इसलिए कभी मौका नहीं मिलता है। क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप आए इतने दूर से। सेकंड चीज़ ये है, जैसे आप जानते हैं लास्ट ईयर से लेकर अब तक कोविड काल चल रहा है, तो इस वजह से मेरा खुद का बाहर जाना, थाईलैंड उतना नहीं हो रहा है और अभी पूरे लॉकडाउन के अंदर हम लोग बाहर गए नहीं है। अब जैसे हम थाईलैंड इस वक्त है ना, कैसा कोविड के वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर हम जाते हैं तो हम हर एक पीस जो लाते हैं वो सेल्फ सेलेक्टेड लेकर आते हैं। अभी क्या होता है कि वो वहाँ से ब्रीडर जो रहता है वो अपनी मर्जी से डालता है, कुछ पीसेस पसंद आते हैं, कुछ पीसेस नहीं आते। तो जब मुझे स्टॉक पसंद आता है तब मैं बुलाता हूँ या तब मैं दिखाता हूँ। आज की डेट की कंडीशन ये है, आज भी स्टॉक उतना प्रीमियम वर्जन का नहीं है, इकोनॉमिक रेंज वाला जो स्टॉक है वो स्टॉक अवेलेबल है। यानी मिनिमम मैंने 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, इससे ऊपर का कोई स्टॉक नहीं है। और नेक्स्ट मंथ के अंदर जो आ रहा है वो प्रीमियम वर्जन आ रहा है, तो उस वक्त भी मैं आपको बोलूंगा ताकि यानी कैसा मैं दिखा सकूँ कि प्रीमियम में और नॉर्मल ग्रेड के अंदर क्या फर्क है। सेकेंड चीज, इस बार का जो स्टॉक है वो साइज छोटी है, हर एक फिश जो आप देखेंगे साइज के अंदर छोटा है, 3.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच इतना ही साइज में है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। तो जो ब्रीडर्स वहां पर ग्रूम करते हैं मच्छियों को एक एक महीना रखकर, वो मच्छियां छोटी साइज में लाई हुई है ताकि इनका ऐसा है हॉबीस्ट के पॉकेट फ्रेंडली प्राइस के अंदर रहे और उनको उसका बेनिफिट्स मिले। हर मच्छी जो है आपको एक अच्छा सा टैंक देना है, पानी पैरामीटर्स का ख्याल रखना है, फीडिंग स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है, ये सारी चीजों का ख्याल रखना है, एक महीने के बाद वो खुद आपके घर पर उतनी ही सुंदर बन जाए। बराबर। तो भाई वैसे तो इंडिया में जितने भी फ्लावर ऑन लवर्स है, कीपर्स है, वो तो जय हिंद के बारे में जानते हैं, आपको जानते हैं, तो जो नए फ्लावर ऑन फ्यूचर फ्लावर ऑन कीपर्स है, नए फ्लावर ऑन रखने वाले, उनके लिए आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए और डिलीवरी के बारे में बता दीजिए। 9766178718 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो बड़े भाई वीडियो की तरफ। हाँ श्योर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सो इस स्टॉक में सारे स्मॉल साइज के फ्लावर ऑन्स है और जो प्राइस रेंज अबरार भाई ने सेट किया है 1500 से 3500 तक, मेरे ख्याल से जितने भी फ्लावर ऑन्स मैंने देखे हैं ऐसी साइज के लिए और ऐसी क्वालिटी के लिए ये बेहद बढ़िया प्राइस है। तो ये है भाई सबसे छोटा फ्लावर ऑन आपके पास, ये सबसे छोटा है और लेकिन इसकी क्वालिटी आप देखेंगे ना तो आप ये समझ सकते हैं ये आगे क्या बनेगा। ये देखिए उसका हेड जी, और साइज अगर आप मेंशन करना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ से। बराबर। पूरे बॉडी और पूरा जो मतलब छोटे साइज में अगर दो फैक्टर्स के ऊपर अगर हम गौर फरमाएंगे, इसका जो हेड जो पूरा कर्व्ड है, बॉडी ऊपर के फिनिश से लेकर टेल फिन से लेकर नीचे पूरी एनल फिन तक फैली हुई है, पैटर्न सेंटर में भी पूरा पैटर्न है,
बहुत बढ़िया भाई, कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? यानी ऐसा है, ये फिश जो है एसआरडी मॉन्स्टर कुक जिन में से है। जी जी। पहले कैसा होता था, यही जेनेटिक के जो है हम बड़े पीसेस लाते थे। जी अभी जी। क्या है, यही जेनेटिक के हम छोटे पीसेस लाए, ताकि यानी कैसा है हॉबीज की रिक्वायरमेंट। सो ये रही आपके सामने नेक्स्ट अट्रैक्टिव फ्लावर ऑफ जय हिंद। ये भाई क्या साइज की है, एसआरडी है? 3 इंच के ही साइज है इसका। ओके, अच्छी एसआरडी है जी। अच्छा, इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, हेड बहुत प्यारा है, मार्किंग बहुत प्यारी है इसकी। जी जी। और ऐसा, ये जितना भी स्टॉक है सारा जो है, एक एक करके जो है पीसेस है, वो सारे पीसेस काफी प्यारे है, हेड है, कलर है, मार्किंग है, सारी चीजें है। आप हेड से जो मार्किंग आती है, आपने देखा जैसे ही मैंने फिंगर प्लेस किया सीधा सामने आ गई, तो आप ये मार्किंग देख सकते हैं सेंटर की तरफ की, कितनी डार्क और प्रोमिनेंट है, एकदम उठ के दिखाई दे रही है। इस फ्लावरॉन में अगर आप देखेंगे तो कलर इतना नहीं है, बट मार्किंग से पूरा भरा हुआ है। तो जय हिंद में आपको ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे फ्लावरॉन्स में, जैसे कि कुछ फ्लावरॉन कीपर्स को उनके मन में ऐसा होता है कि मुझे कलर वाली, ब्राइट कलर वाली चाहिए, किसी को मार्किंग्स का ज़्यादा क्रेज़ होता है, मार्किंग्स ज़्यादा चाहिए होती है फ्लावरॉन पे, तो ये वाली भाई उसमें से एक है। जी भाई बिल्कुल, ये मैग्मा वेराइटीज़ में है। मैग्मा में इस वक्त जो है मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। अच्छा, जैसे मैग्मा रेड आई हो गई, उसके बाद यानी कैसा वाइट आई हो गई। ओके, तो वो भी है ऑप्शंस के अंदर। ये अभी दोनों पीसेस जो आप देख रहे हैं दोनों साथ में सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि दोनों की मार्किंग बहुत खूबसूरत है। जी जी। और दोनों सेम कैटेगरी की फिश है, मैग्मा के अंदर बहुत खूबसूरत है इनकी मार्किंग, यानी कैसा है फुल मार्किंग है, हेड पर भी मार्किंग है, पर्ल्स है, उसके बाद यानी क्या ऐसा है पूरा फिन्स तक देखेंगे तो पूरी बॉडी पर जो है उसका ब्राइटनेस है, काफी अच्छे पर्ल्स है। सेकंड पीस हमने आपको जो एसआरडी में दिखाया था, ब्राइट कलर, अट्रैक्टिव पैटर्न, वो शॉर्ट बॉडी में था। ये वाला आप देख सकते हो, इसमें भी ब्राइट कलरेशन है, एकदम ज़बरदस्त पैटर्न है, बट ये लॉन्ग बॉडी में आता है। इसके बारे में अब्रार भाई कुछ बताना चाहेंगे आप? एसआरडी लॉन्ग बॉडी में है ये। अच्छा, एसआरडी लॉन्ग बॉडी के अंदर है। अच्छा, मॉन्स्टर कुक जिन है, अरे कैसे ट्रिपल ए ग्रेड है फिश का, और काफी बढ़िया पीस बनेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है, हेड का स्ट्रक्चर पूरा गोल रहेगा ऊपर से। जी जी। और काफी खूबसूरत दिखेगा ये बनने के बाद। राइट। और अभी इसकी बॉडी जो हम लोग देख सकते हैं, जो शुरू से माउथ से लेकर जो टेल तक जो जाती है, बहुत ही मतलब लार्ज बॉडी है इसकी। यही साइज में ठीक है पूरी बॉडी। जी। और जैसे कि पीछे की आप जो डोर्सल फिन की पॉइंट भी देख सकते हो, बिकॉज इसकी लॉन्ग बॉडी है तो वो भी बहुत शार्प है। आप देख सकते हो ऊपर की जो डोर्सल फिन की जो पॉइंटेड शार्प जो एकदम कट है उसका, तो उसके वजह से लॉन्ग बॉडी में ये इसको बहुत ही हाईलाइट कर रही है इसके बॉडी को। दिस इज़ अ डिफरेंट फ्लावर ऑन, एंड खास करके आप इसकी अगर आंखें देखेंगे तो इट इज़ वाइट इन कलर, वाइट बॉर्डर्स है इसको, और इसका बॉडी का भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वो भी बहुत अलग है। ये वाला अब्रार भाई कौन सा फ्लावर ऑन है, क्या बोलते हैं इसको? ये मैग्मा में आता है जी, वाइटाई मैग्मा है। ओके, जिसको मैंने कहा रेड स्ट्रक्चर रहता है थोड़ा सा। अच्छा, पूरी बॉडी के ऊपर पोल्स और मार्किंग रहेगी। ओके, जैसे आप हेड पर देखेंगे उसके थिक मार्किंग से। जी जी। और उसके साथ में यानी कहा ऐसा है उसके गले वगैरह पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छी मार्किंग रहती है। और आईज देखेंगे स्पेसिफिकली तो उसके आईज जो है वो वाइटाई रहती है। जैसे आप दूसरे एसआरडी देखेंगे तो उसकी आईज रेड दिखेगी आपको। जैसे ये भी एक खूबसूरत एसआरडी है। जी जी। एसआरडी है, प्योर एसआरडी है, जिसकी आंखें जो है वो लाल है। लाल है, बराबर। हाँ। और इस पीस का अगर आप खूबसूरती देखेंगे तो यहाँ पे ठीक माउथ के नीचे लाल रंग कितना फैला हुआ है, और वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है, और जैसा जैसा कम होते जाता है पैटर्न रूप ले लेता है, पैटर्न धारण कर लेता है बॉडी पूरा पीछे की तरफ। सो बहुत ही यूनिक है ये मेरे ख्याल से इस कलेक्शन में। सो ये पीस अब्रार भाई कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? वाइटाई मैग्मा है भाई। अच्छा, बहुत खूबसूरत मार्किंग है इसकी। ओके, जैसे आप पूरे फिन्स इस पर देखेंगे, जी गिल्स पर भी देखेंगे, सारी जगह पर आप देखेंगे तो मार्किंग ही मार्किंग है। मैं माउथ के नीचे देख सकता हूँ, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न पूरा अलग है इसका, और सुपर एक्टिव है जी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसमें से कुछ फ्लावरॉन्स हैं, आई एम श्योर कि हमारे फ्लावरॉन लवर्स, फ्लावरॉन कीपर्स का बेशक दिल आया होगा एंड उनको रखने का मन किया ही किया होगा। ये पीस अबरार भाई मैं देख रहा हूँ कुछ हटके दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है बाकी से। ये यानी कैसा है, F2 के अंदर आता है। F2 के अंदर? हाँ, F2 के अंदर आता है। अच्छा, लेकिन यानी कैसा है, इस बार कंपास का पूरा स्टॉक नहीं आया है जी। कंपास का नया स्टॉक जो आने वाला है आते महीने में, उस वक्त मैं आपको बुलाता हूँ। उस वक्त हम लोग पूरे तरह वैरायटीज का वीडियो शूट करेंगे, कंपास शूट करेंगे उस वक्त। लास्ट टाइम पे जैसे कंपास का वीडियो डाले थे जी जी जी, तो नेक्स्ट स्टॉक के अंदर प्रीमियम ग्रेड आने वाला है और कंपास आने वाले हैं। सो ये अगला फ्लावरॉन है, इसका मुझे जो पैटर्न है सेंटर का वो बड़ा पसंद आया। थोड़ा डिसकंटिन्यूटी है बीच में, जिसके वजह से इसको यूनिकनेस दे रहा है ये। आप देख सकते हो बीच में कैसा डिसकंटिन्यू हो रहा है और फिर से कंटिन्यू हो रहा है। सो ये बहुत ही इसको एक अलग ही लुक दे रहा है। ये है एक शॉर्ट बॉडी SRD, बेहद एक्टिव है इस साइज में भी, पैटर्न से भरा हुआ भरपूर। यह है एक नेक्स्ट फ्लावरॉन और इसका भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि डुअल टोन तो नहीं है, बट पीछे का रंग थोड़ा फेडेड लग रहा है और आगे का रंग थोड़ा अलग लग रहा है। ये SRD के अंदर है। अच्छा, SRD के अंदर कैसा है, जो आगे का पोर्शन रहता है, किसी का ब्लैक रहता है, किसी का व्हाइट रहता है जी जी, तो इसका जो है वो टर्निंग टू ब्लैक साइड है। ओके, नॉर्मल SRD आप देखेंगे तो उसका यानी कैसा पीछे का पोर्शन व्हाइट रहता है जी जी, हल्का सा यानी कैसा है, मार्किंग वगैरह उसकी बहुत खूबसूरत है, हेड के ऊपर पर्ल्स है। अच्छा, मार्किंग हेड पे पर्ल्स है। ओह, बहुत ही स्विफ्टनेस है इसके अंदर। पीछे की तरफ जो आप रंग देख सकते हैं क्लियर कट, वो कैसा, मतलब ऑफ ब्लैक बोल सकते हैं या फेडेड बोल सकते हैं हम लोग, तो ये इस फ्लावरॉन को बाकी फ्लावरॉन से अलग यूनिक बना रहा है, एक डिफरेंट इसको प्लेस कर रहा है। ये एक बेहद बढ़िया पीस है, यहाँ पे पैटर्न से भरपूर भरा हुआ और हेड के तरफ कलर ज़्यादा है, कलर का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और पैटर्न जो है वो बॉडी के टेल फिन के तरफ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसके बारे में भाई क्या बताना चाहेंगे, साइज तो बहुत छोटी है पर पैटर्न में ये बहुत ही बड़ा है। ये सुपर रेड ड्रैगन के अंदर आता है। अच्छा, इसका रेड कलर जो है वो बाकी सारे SRDs के रेड कलर से डिफरेंट रहेगा। अच्छा, ने डीप रेड जिसे कहते हैं वो डीप रेड रहेगा और इसका यानी कैसा है, फेस वगैरह भी अगर आप देखेंगे कॉम्पैक्ट रहता है जी जी और बहुत खूबसूरत दिखता है। ये अगला पीस है SRD में, रिफ्लेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन में भी आपको पैटर्न दिखाई देगा भरा हुआ। और मैं आपको जूम लेके जाता हूँ इसके हेड के मार्किंग की तरफ, शाइन कर रही है इसकी मार्किंग्स। दिस इज अ शॉर्ट बॉडी SRD। ये पीस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी एक्चुअल साइज है 2 inches, मैं दूर से भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत छोटा है साइज में बट मार्किंग्स पैटर्न से भरा हुआ है। साइज में भले ही छोटा है बट मार्किंग में बिल्कुल भी छोटा नहीं है, पूरी बॉडी है मार्किंग से भरी हुई एंड ऊपर से बहुत ही डार्क कलरेशन है, मार्किंग का भी कलर और जो बेस का भी कलर है वो बहुत ही भरपूर है एंड आइस का भी कलर आप देख सकते हैं प्रॉपरली रेड इन कलर। यह है 3 inch वाले SRDs। सो ये वाला कुछ अलग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फेडेड बेस कलर है इसका, इसका बहुत ही डार्क बेस कलर है एंड इसके शाइनी पैटर्न्स है। सो ये ऊपर का सेक्शन है और मैंने मिडल का पूरा सेक्शन कवर कर लिया। आपने देखा कि एक भी फ्लावरॉन बैठी नहीं थी, छुपी नहीं थी, हाइड नहीं कर रही थी,
ऊपर के सेक्शन में भी आप देख सकते हो ईच एंड एवरी फ्लावर ऑन दे आर एक्टिव इन देयर टैंक। एंड जैसे ही हमारा कैमरा उनके तरफ आ रहा है दे आर गेटिंग डबल एक्टिव, दे आर गेटिंग सुपर एक्टिव एंड दे आर पोजिंग फॉर अस। इसका भी आप कलर और पैटर्न देख सकते हैं। सो इसका आप देख सकते हो कि पैटर्न के ऊपर ब्लैक कलरेशन कितना आया हुआ है एंड डायरेक्टली सामने की तरफ रेड कलर जो है वो एक्टिव हो जाता है। एंड देन देर इज दिस फ्लावर ऑन। सो जय हिंद में हमेशा आपको मोर देन इजीली 100 फ्लावर ऑन देखने को मिलेंगे। हियर इज अ ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव लॉन्ग बॉडी व्हाइट आइज मैग्मा फ्लावर ऑन। आप पैटर्न देख सकते हैं कितना सारा है बॉडी के ऊपर यही साइज में। आई एम स्टंड आफ्टर वॉचिंग दिस फ्लावर ऑन। डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लग रहा है इन फ्लावर ऑन्स को देखकर कि इतनी छोटी छोटी साइज में ये इतने कमाल के पैटर्न दर्शा रहे, कमाल की झलक हमको दे रहे। सो मैं तो बहुत ही स्टंड हो गया हूँ इनको देख के, यही साइज में ये ऐसे कमाल के पैटर्न शो कर रहे हैं। तो पता नहीं बड़े होने के बाद, अडल्ट होने के बाद ये क्या किस लेवल का जलवा मचाएंगे। इस पीस का आप ये लुक देख सकते हो, परफेक्ट कर्वी हेड एंड कलरफुल बॉडी फिल्ड विथ पैटर्न्स। सो लुक एट द वाइब्रेंट कलर्स। So this is the beauty of the cock filled with patterns. आप देख सकते हो इनकी फुर्ती और इनकी एक्टिवनेस। नॉर्मल एसआरडी इसके अंदर है। ओके एसआरडी है, नॉर्मल आरडी है, ये मैग्मा में है। अच्छा रेड आई मैग्मा में है। ओके ये भी आरडी के अंदर है। ओके जिसके यानी के सर पल्स जो है जी पूरे हेड पर कवर है इसको। ओके ये भी मैग्मा में आएगा। ओके ये भी मैग्मा है। इसके पैटर्न्स काफ़ी खूबसूरत है जी, यानी कैसे पूरी बॉडी पर पोल्स है इसके और मार्किंग काफ़ी अच्छी है इसकी। शॉर्ट बॉडी एसआरडी के अंदर है। okay. बहुत खूबसूरत पीस है, हल्का सा स्ट्रेस में है अभी। अच्छा हाँ, लेकिन यानी कैसा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा उसका एक दो दिन के अंदर। ओके आप जैसे देखेंगे इसका यानी बॉडी साइज इसका 2 inches का है। ओके और बहुत खूबसूरत है, रेड कलर बहुत ही प्रीमियम वर्जन पर है इसका जी, प्रीमियम रेड है और यानी कैसा हेड पर पर्ल्स वगैरह भी आएंगे इसके और आ रहे हैं। सो मार्किंग भी काफ़ी खूबसूरत है इसकी। सो दीज आर द लास्ट 2 pieces दैट वी आर शोइंग यू एट जय हिंद फ्लावर ऑन। मेक श्योर यू स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन फ्लावर ऑन फिश फूड। जय हिंद में आपको फिश फूड के बारे में जानकारी भी मिलेगी और एक नए फिश फूड के बारे में पता भी चलेगा। सो आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये वीडियो देखते वक्त। सो स्टॉक में बहुत सारे खूबसूरत प्यारे फुर्तीले एक्टिव फ्लावर ऑन्स हमको देखने को मिले। कुछ कुछ ज़बरदस्त लाजवाब पीसेस भी थे इसके अंदर जिसके ऊपर जिनके ऊपर से मेरा दिल नहीं हट रहा था, मेरा नज़र नहीं हट रहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इसमें से कई सारे फ्लावर ऑन्स पसंद आए रहेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप एक फ्लावर ऑन लवर है, फ्लावर ऑन कीपर है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए. सो दिस वॉज द जहिन फ्लावर ऑन फिश फार्म दैट इज लोकेटेड एट पाशान इन पुणे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.